ये इसका लिखा हुआ प्राइस 1 यूनिट RM 2.10। हर चीज आपको 2 रुपए 10 सेंट में मिलेगी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि जो मार्केट है मलेशिया में बहुत ही सस्ती मार्केट है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को बी पेयर माल मिलता है, लेकिन जो भी चीज़ है वो आपको बी पेयर में मिलती है, न्यू ही मिलती। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे आपको हर चीज़ ब्रांड न्यू मिलेगी, उसकी जो लेमिनेशन है वो सब कुछ ठीक होगा, कोई उसमें आपको 2 नंबर चीज़ नहीं मिलेगी, आपको हर चीज़ जो है वो ब्रांड न्यू मिलेगी। और मलेशिया की छोड़ के मेरे ख्याल से दुनिया की वो सबसे सस्ती मार्केट होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको जितनी कम प्राइस में चीज़ मिलेगी वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। बताऊँगा कि नहीं वहाँ पर कि चीज़ कितने की मिलती है, आप खुद देखें और फिर मुझे बताएँ कि क्या वाकई ये सस्ती है या महंगी है। मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, इस वजह से मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई कुछ दिन, और अब भी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन मैं आज दोस्त के साथ आया था तो मैं सोचा आपको भी मैं इंजॉय करवाऊं और साथ में दिखा देता हूं। ले जी, ये मलेशिया की सबसे सस्ती मार्केट है, यहाँ पे आपको एवरीथिंग मिलेगी और वो भी मिलेगी 2.10 में। ये इसका लिखा हुआ प्राइस 1 यूनिट RM 2.10, मतलब हर चीज़ जो है वो आपको 10 रुपये, हर चीज़ आपको 2 रुपये 10 सेंट में मिलेगी। आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी है फ्राइवान, ये भी आपको 2 रुपये 10 में मिलेगा। उसके बाद ये सारी एक्सेसरीज है किचन की है, ये सब, ये देख ले प्लेट्स वगैरह, और उसके बाद ये टोटल किचन का है, और ये प्लास्टिक का मोल्डिंग वगैरह हर चीज़ का। ये लुक एट दिस, मेरे ख्याल से ये दुनिया की सबसे सस्ती होगी मार्केट, और जिस आदमी ने ये बनाई है उसकी जो सेंस है उसको सल्यूट है यार। उसने परसेंटेज अपनी जो उसकी बचत है उसने वो रखी है सिर्फ सेंट्स में, यानी रुपए में भी नहीं रखी, सेंट में रखी है, पाकिस्तानी मतलब पैसे में। ये देख लें आप लोग, हर चीज़ यार यहाँ पे 2 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 2 रुपये से कम मिलेगी आपको, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो भी चीज़ है इतनी बड़ी है मार्केट है। ये बच्चों के खिलौने वगैरह सारा कुछ, ये भी सारा कुछ 2 रुपये। ओनली 2 रुपये। लुक एट दिस, और ये प्लास्टिक है, उसके बाद ये जग वगैरह आ गए हैं, और ये टिफिन वगैरह प्लास्टिक है ये सारा। आप लोग देख रहे हो कितनी बड़ी मार्केट है, और इधर सारा कुछ सिर्फ 2 रुपये। ये बॉटल्स वगैरह, ये जो बच्चे स्कूल वगैरह में लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी प्यारी डिज़ाइन की भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद शावर्स वगैरह, उसके भी ये फ्लावर्स हैं, ये भी सारे 2 रुपये। और ये कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, ये टॉयज सेक्शन है, यहाँ पे बच्चों के सारे खिलौने मिलते हैं, गन्स वगैरह, ये गन, ये वो सारा कुछ यहाँ पे है, और सब कुछ ये 2 रुपये 10 का ही है। फेस मास्क है बच्चों के, और इस साइड पे भी सारे ये खिलौने हैं बच्चों के। लुक एट दिस, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। मैं काफ़ी देर से आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मलेशिया में एक मार्केट है जो बहुत ही सस्ती है, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए मैं ना नहीं जा पाया, और आज मैं आया हूँ दोस्त के साथ तो मैं सोचा आपको विज़िट करवाता हूँ। उसके बाद ये देख रहे हैं,
खाने वगैरह के लिए टेबल्स के ऊपर होते हैं, टोकरियाँ, ये भी सारा प्लास्टिक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये प्लम्बरी का सारा सामान है, ये देख रहे हैं सारा कुछ, प्लस ये वो सारा कुछ 2 रुपए में है। कोई चीज़ भी महंगी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सस्ती। स्क्रू, हैंडल जो भी है, ये चाबियाँ जो है ये भी 2 में है। और यहाँ पे स्विच वगैरह सारा कुछ, ये प्लम्बरी का सारा सेक्शन है। इंची टेप तक भी आपको 2 रुपए में ही मिलेगा, 3 मीटर का, बड़ा सस्ता है यार। यहाँ पे स्पून सेक्शन है, ये सारे स्पून लगे हुए हैं, बड़े डिज़ाइन के हैं, प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं इनके, ये भी आप लोग देख लो। मलेशिया में यार ये बहुत ही सस्ती मार्केट है। ये हंडी वगैरह पकाने के लिए, आप लोगों को यकीन नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, ये देख ले, 1 यूनिट, मतलब एक चीज़ 2.10 में। ये सारे लकड़ी के हैं, ये कैंची भी है, ये भी 2 रुपए की है। और ये फ्राई वगैरह करने के लिए जो चीज़ें हैं लोग इस्तेमाल करते हैं इनका। ये खाने पीने वाला सेक्शन है, यहाँ पे बॉटल्स वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा। ये चॉकलेट सेक्शन है, यहाँ पे सारे चॉकलेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, बिस्किट, चॉकलेट। और आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। ये आपको मिलेगा निम्को, और पाकिस्तान में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में तो मरूंडा कहते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं। और ये बेकरी का भी आपको मिलेगा, ये इनकी अपनी कोई सौगात है, बड़ी मज़े की है। ये सलंटी भी है यहाँ पे, इस तरफ जो है ये सारे चॉकलेट वगैरह। ये स्टेशनरी का सारा, ये बच्चों के लिए, यहाँ से आप बच्चों के बुक्स वगैरह, पेंसिल, कॉपी, सारा कुछ इधर से आप ले सकते हैं।